ओम गण गणपति नमः। जय मां धरती, धरती माता की जय। मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मकर संक्रांति आने वाली है और जैसा कि हम सभी जानते हैं, मकर संक्रांति से कुछ विशेष कथाओं को सुनने का नियम लिया जाता है। बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जो मकर संक्रांति पर सुनी जाती हैं और उनका वर्ष भर सुनने का नियम भी लिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि धरती माता के व्रत की कहानी को मकर संक्रांति से सुनना आरम्भ करते हैं और फिर वर्ष भर इसको सुनने के बाद इसका उद्यापन कर देते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि अगर हमने बहुत से दान धर्म किए हैं, बहुत से व्रत भी रखे हैं, परंतु हमने कभी भी धरती माता के ना तो कोई व्रत किया है और ना ही उनकी कहानी सुनी है, तब हमें मृत्यु के पश्चात खड़े रहने के लिए भूमि नहीं मिलती है। तो आज मैं आप सबको धरती माता के व्रत से जुड़ी हुई एक कहानी सुना रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर दीजिए। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुनी जाने वाली धरती माता की इस कथा को अब हम आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही धर्म कर्म किया करती थी। वह इतने धर्म कर्म और पुण्य करती थी कि धर्म कार्य करने के कारण उनका पूरा घर खाली हो गया। उन्होंने अपने घर की सभी जरूरी वस्तुएं दान कर दी थी। फिर एक दिन उनके इतने पुण्य कार्य करते रहने से धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लगा। तब धर्मराज जी कहने लगे कि ऐसा कौन सा भक्त है जिसने मेरा सिंहासन हिला दिया। तब धर्मराज जी ने कहा कि अगर यह कोई दानी ऐसे ही दान पुण्य करता रहा तो मेरे सिंहासन का क्या होगा। वह दानी कौन है यह पता लगाने के लिए यमराज जी पृथ्वी पर आए और एक कोढ़ी का रूप धारण किया और कोढ़ी उसी गांव में घूमता रहा जहां पर वह बुढ़िया माई रहती थी। सर्दी का समय था, बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। वह पूरे गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता रहा। सभी से कहने लगा कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, कोई मुझे ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा दे दो, कोई अपने फटे पुराने कपड़े ही मुझे दे दो। परंतु किसी ने भी उस कोढ़ी पर दया नहीं की। सुबह से रात हो गई उसी गांव में उसे भ्रमण करते हुए। रात्रि में एक घर के बाहर वह आवाज लगाता हुआ घूम रहा था कि कोई मुझे तन ढकने के लिए कोई कपड़ा दे दो। परंतु जब किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी तब बुढ़िया माई को उसकी आवाज सुनाई दी और बुढ़िया माई ने अपनी बहुओं से कहा कि बाहर जाकर देखो कौन आया है, शायद कोई भिखारी है जिसे सर्दी लग रही है, तुम बाहर जाकर देखो उसे क्या चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि हमारी सासू माता दिन में तो दान धर्म करती ही हैं, परंतु अब तो वो रात्रि में भी चैन नहीं लेने देती और उनके द्वार पर तो कोई ना कोई मांगने वाला आया ही रहता है। बहुएं कहने लगी कि हमें रात में सोने दे, हम आधी रात में बाहर नहीं जाएंगी। जब तीनों बड़ी बहुओं ने मना कर दिया तब छोटी बहू बोली कि माँ जी आप चिंता ना करें, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। वह बाहर गई, दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे के पास एक कोढ़ी बैठा हुआ है। वह बोली आपको क्या चाहिए। तब वह कोढ़ी बोला कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे कोई वस्त्र दे दो। वह अंदर आती है और अपनी सासू माता को सारी बात बताती है। तब उसकी सास ने कहा कि अंदर तुम्हारे पिताजी ने जो कंबल ओढ़ा हुआ है वह उतार कर तुम उस कोढ़ी को दे दो। तब बहू ने कहा कि सासू माता अगर पिताजी का कंबल हमने उस कोढ़ी को दे दिया तो पिताजी तो वैसे ही बीमार रहते हैं, वो तो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मर ही जाएंगे। तब सास बोली कि मेरे ऊपर जो ये गुदड़ी पड़ी हुई है ये तुम जाकर अपने ससुर जी को उड़ा देना और कंबल उस कोढ़ी को दे आओ। हम सभी तो घर के भीतर बैठे हैं और वह बेचारा तो बाहर ठंड में बैठा है, उसे हमसे ज्यादा ठंड लग रही होगी। ऐसा कहकर बहू से उस कंबल को ले जाने के लिए कहती है। तब बहू जाती है और अपने ससुर जी को वो गोदड़ी उड़ा देती है और उनका कंबल ले जाकर दान कर देती है। कोढ़ी वह कंबल लेकर वहां से चला जाता है और अपने असली रूप में आकर वापस जाता है और धर्मराज जी से कहता है कि महाराज यह लीजिए यह कंबल, गांव में एक बुढ़िया माई रहती है, उसने ये कंबल हमें दान में दिया है,
उसने अपने घर की सभी वस्तुएं दान कर दी हैं। अब ये बचा हुआ कंबल भी उसने दान में दे दिया। धर्मराज जी कहते हैं कि उस बुढ़िया माई का समय तो वैसे भी समाप्त हो चुका है। धर्मराज जी अपने दूत से कहते हैं कि तुम उस बुढ़िया को लेकर यहाँ पर आओ। तब दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए धरती पर जाते हैं और उस बुढ़िया माई को लेकर आने लगते हैं। तब बुढ़िया माई चलने के लिए जैसे ही अपने पैर आगे बढ़ाती है, उसे नीचे सभी जगह पानी ही पानी नजर आता है। उसे वहाँ पर धरती नहीं मिलती। यह देखकर बुढ़िया माई बड़ी अचंभित हो जाती है और सोचने लगती है कि यह क्या हो रहा है। वह जहाँ भी खड़ी होती है वहाँ पानी ही पानी मिलता है और अपने मन में विचार करने लगी कि हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरे पैरों के नीचे की धरती कहाँ चली गई, मुझे धरती क्यों नहीं मिल रही। तब धर्मराज जी बोले कि तूने बुढ़िया माई धरती तो मोल ली ही नहीं है, तो मैं कहाँ से तुझे धरती दूँ। बुढ़िया माई गुस्से में कहने लगी कि मुझे खड़े रहने के लिए धरती नहीं मिलेगी तो आप मुझे क्यों लेकर आए हैं। तब धर्मराज जी ने कहा कि यहाँ धरती उसे ही मिलती है जो धरती को मोल लेता है। तब बुढ़िया माई बोली कि आप यह क्या कह रहे हैं, मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं। आप बताइए धरती कैसे मोल ली जाती है, उसकी क्या विधि है, आप मुझे बताइए और आप मुझे वापस भेजिए ताकि मैं धरती मोल लेकर फिर आ सकूं। तब धर्मराज जी उसको बताते हैं, कहते हैं कि बुढ़िया माई तुमने बहुत दान धर्म किया, परंतु तुमने कभी भी धरती माता का व्रत नहीं किया और ना ही कभी धरती माता की कहानी सुनी और ना उसका उद्यापन किया। तब बुढ़िया धर्मराज जी से प्रार्थना करती है और अपनी गलती का पश्चाताप करती है और बार बार धर्मराज जी को यही कहती है कि आप मुझे वापस भेज दो, मैं कहानी सुनकर व्रत करके धरती माता को मोल लेकर वापस आ जाऊंगी। बार बार कहती है कि अगर मेरे बेटों ने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया फिर मैं क्या करूंगी। उस बुढ़िया के इतनी विनती करने पर धर्मराज जी ने बुढ़िया के पुण्य कर्मों पर विचार किया और बुढ़िया माई से बोले कि ठीक है बुढ़िया माई, तूने इतने दान धर्म किए हैं, इसीलिए मैं तुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेजता हूँ। बुढ़िया माई तुम जाकर 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनो, उनका उद्यापन करो और फिर तुम वापस आ जाना। बुढ़िया रात में मरी थी। सुबह उसके बेटे अर्थी की तैयारी कर रहे थे, अर्थी को लेकर चले। आधे रास्ते में पहुंचे ही थे कि बुढ़िया बोली कि कहाँ ले जा रहे हो। बुढ़िया का बड़ा बेटा बोला कि माता तो इतनी जल्दी भूतनी बन गई। तब बुढ़िया बोली, बेटा मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ, 8वें दिन चली जाऊंगी। मुझे धर्मराज जी ने वापस भेजा है, मुझे धरती माता का व्रत करना है, उनकी कहानी सुननी है और उद्यापन करना है। मेरी प्रार्थना पर ही धर्मराज जी ने मुझे 7 दिन की जिंदगी दी है। सभी लोग बड़े हैरान हुए। बुढ़िया माई के लड़के भी आपस में बातें करने लगे। तब एक बुजुर्ग ने कहा कि अगर तुम्हारी माँ ऐसा कह रही है तो ऐसा करने में क्या जाता है, 7 दिन तक किसी ब्रह्माणी को बुलाकर इन्हें कहानी सुनवा दो। तब उसके बेटे उस बुजुर्ग की बात मान लेते हैं और अपनी माँ को अपने साथ घर ले जाने लगते हैं। बुढ़िया माई के घर पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, वहाँ पर औरतें भजन कीर्तन कर रही थी। जब बहुओं ने देखा कि उनकी सास तो वापस आ रही हैं, तब एक बहू बोली कि माँ जी ने सब कुछ तो दान में दे दिया है, एक सुई तक तो छोड़ी नहीं है, अब पता नहीं क्या करेंगी, ये तो मरकर भी वापस आ गई। तब बहुओं की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा कि बेटी, मैं वापस आई हूँ तो सिर्फ 7 दिन के लिए वापस आई हूँ, 7 दिन के बाद मैं वापस चली जाऊंगी। उसके बेटे ब्रह्माणी को बुलाकर लाए। उसने ब्रह्माणी से 7 दिन तक कहानी सुनी। 7वें दिन पानी का भरा हुआ लोटा, रोली, मौली, 5 रुपए, सवा नाल का धागा, गुड़ की डली लेकर वह अपनी बहुओं से बोली कि तुम सब भी मेरे साथ पीपल के पेड़ के नीचे चलो, वहां बैठकर कहानी सुनना और तुम सब भी 1 दिन की कहानी सुनकर उद्यापन कर देना, ताकि जो परेशानी मुझे हुई है वो कभी तुम्हें ना हो और इस धरती पर भी तुम सुख पूर्वक रहो। तब बुढ़िया की बहुएं भी बुढ़िया के साथ पीपल के पेड़ के नीचे गई और सभी ने ब्रह्माणी से कहानी सुनी। बुढ़िया माई जो अपने साथ सारा सामान लेकर गई थी, वह सभी सामान उसने कहानी सुनने के बाद पीपल की जड़ में रख दिया और धरती माता से प्रार्थना की कि हे धरती माता, मैंने आपको मोल ले लिया,
आपकी मैंने कहानी सुनी, उद्यापन कर दिया। अब आप मेरे जीवन को सफल कीजिए और मुझे मृत्यु के बाद खड़े रहने के लिए धरती प्राप्त हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऐसा कहकर वह अपने घर वापस आ गई। वापस आने के बाद बुढ़िया ने अपनी बहुओं से कहा कि आज मेरा घर में अंतिम दिन है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं उत्तम उत्तम भोजन करूं। तब बहुएं कहने लगी कि हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, तो आपको हम उत्तम भोजन कैसे कराएं? तब बड़ी बहू बोली कि तुम चिंता मत करो, मैं पड़ोस में जाती हूँ और कुछ ना कुछ तो मांग कर ले आती हूँ। वह सभी पड़ोसियों के घर जाती है और उनसे थोड़ा थोड़ा कुछ मांग कर ले आती है और विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करती है। भोजन बनाने के बाद वह प्रेम से बुढ़िया माई को जिमाती है। जब बुढ़िया माई भोजन कर लेती है, तब वह अपने बेटों और बहुओं से कहती है कि आ जाओ तुम सब भी जिम लो। तब सभी थोड़ा थोड़ा प्रसाद की तरह भोजन खा लेते हैं और बुढ़िया माई कहती है कि अब तुम सब जाकर सो जाओ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। तब आठवें दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे ही बुढ़िया माई के लिए एक विमान धरती पर आता है और बुढ़िया माई उसमें बैठकर चली जाती है और धर्मराज जी के पास पहुंचती है और धर्मराज जी किससे कहती है कि धर्मराज जी मेरी एक इच्छा है, क्या आप उसे पूरी करेंगे? तब धर्मराज जी कहते हैं कि माई अब तुम्हारी कौन सी इच्छा है? तब बुढ़िया कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में मैं कुछ भी छोड़कर नहीं आई हूँ, सब कुछ तो मैंने दान में दे दिया, यहाँ तक कि गुड़ नमक आदि भी मैंने सब कुछ दान कर दिया। अब मेरे बेटे और बहू मेरी अंतिम क्रिया और बाद की सभी क्रियाओं को किस प्रकार करेंगे और अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? मैं यही चाहती हूँ कि जो कुछ भी मैंने दान धर्म किया है वह सब कुछ 4 गुना होकर मेरे बच्चों को प्राप्त हो। तब धर्मराज जी प्रसन्न होते हैं और बुढ़िया माई से कहते हैं कि हे बुढ़िया माई, मैंने जो कुछ भी तुमने दान में दिया है वह सब कुछ 4 गुना करके तुम्हारे बेटे बहुओं को दे रहा हूँ। जब सुबह होती है तो छोटी बहू उठती है और सबके लिए चाय बनाकर लाती है। सभी लोगों से कहती है कि आप सब चाय पी लो, सासू माता जी ने तो रात बहुत भोजन किया था, वह तो आज जल्दी नहीं उठेंगी। तब बड़ी बहू सोचती है कि सासू माता ने तो कहा था कि वो 8वें दिन चली जाएंगी और आज तो 8वां दिन है, अगर ये बात सत्य है तो आज तो माता चली गई होंगी। और वह यह सोचकर अपनी सास को जगाने के लिए जाती है। जब वह सास के पास पहुंचती है तो देखती है कि उनके प्राण पखेरु तो उड़ चुके हैं। तब वह बाहर आती है और अपने पति से, उनके भाइयों से और अपनी देवरानियों से कहती है कि सासू माता तो जा चुकी हैं, और अपने पति से कहती हैं कि आप लोग जाइए और उन्हें लाकर आंगन में सुला दीजिए। तब छोटी बहू कहती है कि मैं सदा आप सभी लोगों की सुनती हूँ, आज आप लोग मेरी भी सुन लिए। और वह कहती है कि आप सब कहाँ जाएंगे, किसी को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, माँ को कंधा देने के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, वह 4 तो आप 4 भाई ही हैं। नहला दुला तो हम सासू माता को पहले ही चुके हैं, इसीलिए पूरे गांव को इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है, आप 4 भाई ही इन्हें जल्दी से लेकर चले जाइए और इनका अंतिम संस्कार कर आइए जिससे इन्हें मुक्ति प्राप्त हो। तब भाइयों ने सोचा कि छोटी बहू बात तो सही कह रही है, पूरे गांव को इकट्ठा करके क्या फायदा, बेकार में शर्मिंदा होना पड़ता है। तब सभी भाई मिलकर अपनी माँ को शमशान की ओर लेकर चल दिए। रास्ते में पीपल के नीचे बैठी हुई कुछ औरतों ने उन 4 भाइयों को देख लिया। औरतें वहाँ पर बैठकर भजन कीर्तन कर रही थी। जब बुढ़िया माई को बेटों को ले जाते हुए देखा तो उन सब ने सोचा कि इस बार तो इन्होंने हमें बुलाया ही नहीं। बुढ़िया माई बैशाख के पवित्र महीने में मरी हैं और इन्होंने अपने घर पर भजन कीर्तन भी नहीं कराया। वे सब सोचती हैं कि चलो हम अपने आप ही वहाँ पर चलते हैं, और सारी औरतें बुढ़िया माई के घर पर आ जाती हैं और भजन कीर्तन करने लगती हैं और बहुओं से कहती हैं कि तुम लोग आंगन में दरी बिछा दो, जब तुम्हारे पति आएंगे तो वो यहाँ पर बैठ जाएंगे। तब बहू कहती हैं कि हाँ, जब हमारे पति आएंगे तब हम यहाँ पर दरी बिछवा देंगे, और जब उनके पति आते हैं तो वो वहाँ पर दरियें बिछा देती हैं। वो लोग आकर बैठते हैं और सभी गांव वाले अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तब गांव वाले आपस में विचार विमर्श करते हैं। सभी कहते हैं
कि आज इनके घर में पहला दिन है तो आज तो हमें चाय पानी और खाना वगैरह इनको दे आना चाहिए, कल से तो ये लोग खुद ही देखेंगे। ऐसा विचार करते हैं और आपस में बातें करते हैं। तब एक पड़ोसी कहता है कि आज मैं अपने घर से चाय बनवा कर इनके यहाँ दे आऊंगा। और वे भाई उधर आपस में बातें करते हैं कि अब माँ की आगे की क्रियाओं का क्या होगा, किस प्रकार करेंगे, हमारे घर में तो धन है ही नहीं। तब एक बहू सोचती है कि मैं चलकर माँ जी की कमरे में देख लूं, क्या पता कुछ बचा हुआ हो। जब वह अपनी सास के कमरे में जाती है और बक्सा खोलती है तो उसमें देखकर आश्चर्य में भर जाती है, क्योंकि उसमें सोना चांदी बहुत सी चीजें पड़ी हुई थी। तब वह जाती है और रसोई घर में देखती है तो वहाँ अन्न के भंडार भरे हुए हैं, गेहूं, चावल, दालें सब कुछ रखा हुआ है। इसी तरह वो घर के सभी कमरों में जाती है और सब जगह उसे कुछ न कुछ मिल जाता है। तब वह बाहर आती है और अपने पति को कहती है कि मेरे साथ अंदर चलिए। जब उसका पति अंदर जाता है और देखता है तो वो भी आश्चर्य में भर जाता है। इसी प्रकार उसके सभी भाई और उनकी पत्नियां भी घर के अंदर आती हैं और सब कुछ देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि माँ ने पूरी जिंदगी जो पुण्य कर्म किए थे उनका फल ये आज हमें प्राप्त हुआ है। वो सब लोग बाहर जाते हैं, तभी गांव के व्यक्ति आते हैं और गाँव के जिस व्यक्ति ने उनके घर खाना और चाय लेकर आना होता है वह भी आ जाता है। तब वो सभी भाई और उनकी पत्नी हाथ जोड़कर उन सभी का धन्यवाद करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी माँ मरते मरते अपने दान पुण्य के प्रभाव से हमारे लिए सब कुछ छोड़कर गई है। और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। सभी गांव वाले सोचते हैं कि बुढ़िया ने पूरी जिंदगी तो दान धर्म करने में और अभावों में बिता दी, वह बेचारी तो पूरे जीवन भी अच्छे से नहीं गुजार सकी, परंतु उसके दान पुण्यों के फलस्वरूप उसके परिवार को आज इतनी खुशियां प्राप्त हो रही हैं। जाते जाते बुढ़िया अपने पूरे परिवार को सुखी कर गई। सभी बुढ़िया माई की बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो जैसे धर्मराज जी ने उस बुढ़िया माई का उद्धार किया, जैसे धरती माता ने उस बुढ़िया माई पर कृपा करी, ऐसे ही धरती माता सबके जीवन में खुशियां भरती रहे। तो बोलिए धरती माता की जय।